हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इन चारों ऑप्शन में से क्या सही उत्तर होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, या यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आपका अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ है, गेहूं है, चावल है, या फिर तंबाकू है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू जो फसल था उसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था बताओ। इसका राइट उत्तर है श्रमण। ठीक है, इसका राइट उत्तर श्रमण होगा। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शुल्ब सूत्र, या फिर छंदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। ठीक है, शुल्ब सूत्र सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, या फिर सामवेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? बताओ सही क्रम कौन सा है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? दो है, तीन है, चार है, या फिर पाँच है? पाँच है। दो, तीन, चार, या फिर पाँच, इन चारों ऑप्शन में से बताओ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चार। वेदों की संख्या चार है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था बताओ? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, या फिर व्यवसाय? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद या फिर यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य है या फिर चंद्रगुप्त या फिर सेल्युकस। तो इन चार ऑप्शन में से कौन है जो प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि या फिर ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधन। गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस मंडल में मिलता है शूद्र का उल्लेख पहली बार? सातवें में, आठवें मंडल में, नवें मंडल में या फिर दसवें मंडल में? इसका सही उत्तर बताओ क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दसवें मंडल में। ठीक है, दसवें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 19 है, 20 है या फिर 21 है? तो बताओ दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की संख्या 18 है। आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। प्रकृति इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।